नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज दो महत्वपूर्ण चीज आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहला, ब्लॉक डील ट्रेडिंग क्या होता है। आपने सुना जरूर है, लेकिन उसका मतलब अभी क्लियरिटी नहीं होगा। मैं आपको आज वो बताने वाला हूं, जिससे आपको थोड़ा सा और इनसाइट मिलेगा। दूसरा, एनएससी का जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। एनएससी की साइट भी है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं पे समय का सदुपयोग अगर करना है स्टॉक मार्केट में, तो सबसे इंपॉर्टेंट है समय का पता रहना, राइट। तो आज स्टॉक मार्केट के वीडियो में ब्लॉक डील सेशन के बारे में बताने वाला हूं और एनएससी की टाइमिंग के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले प्री ओपनिंग सेशन, जो कि मार्केट शुरू होने से पहले का सेशन है, और ये चालू होता है 9 बजे से, सुबेरे 9 बजे से लेकर 9:08 तक प्री ओपनिंग सेशन चलता है। इस समय में 9 बजे से लेकर 9:08 तक ऑर्डर एंट्री और मॉडिफिकेशन चालू रहता है। इसका मतलब आप ऑर्डर भी डाल सकते हो और उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन चाहते हो तो वो आप 9:08 तक कर सकते हो। लेकिन जैसे ही 9:08 हो जाएंगे, आप उसके बाद में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि मुझे थोड़ा चेंज करना था, लेकिन नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं समय इंपॉर्टेंट है। 9 बजे से 9:08 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से काम करना है, राइट। दूसरा, जैसी लास्ट 1 मिनट रहता है 9:08 वाले समय पे, उस समय प्री ओपन ऑर्डर मैचिंग स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये जितने लोगों ने ऑर्डर पहले से डाला है, 9:08 से लेकर 9:15 तक मैचिंग होता है। कुछ किसी ने खरीदने का डाला, किसी ने सेल करने का डाला, तो वो ऑर्डर मैचिंग करता है। इसी कारण उस बीच में कोई मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं रहता है, तो रेगुलर ट्रेडिंग सेशन उसके बाद चालू होता है। इसका मतलब प्री ओपनिंग सेशन मतलब 9 बजे से लेकर 9:08 तक आपने ऑर्डर्स डाले और जो जो मॉडिफाई करना था आपने सारा मॉडिफाई कर लिया, राइट। अब 9:08 से 9:15 तक स्टॉक मार्केट क्या करता है, वो जिसने भी ऑर्डर दिया परचेज और सेल का, उसको मैच करता है। किसी ने खरीदने का डाला, किसी ने बेचने का डाला, ऐसा सारा मैच करने के बाद में, और इस मैचिंग पीरियड में कोई मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं होता। और 9:15 जैसे ही हो गया, तुरंत मार्केट ओपन हो गया सबके लिए। अब आप डायरेक्टली ट्रेड चालू कर सकते हो इस समय से। किस समय से? 9:15 से। और ये कब तक चलने वाला है? 3:30 मतलब 3:30 तक आपका नॉर्मल ट्रेडिंग चलेगा। और क्लोजिंग सेशन होता है 3:40 से लेकर 4 बजे तक। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है ब्लॉक डील का, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ब्लॉक डील वो कंसेप्ट है जो कि नॉर्मल ट्रेडर्स को पता नहीं, केवल नाम पता है। ये अगर आपको पता रहेगा तो थोड़ा माइंडसेट क्लियर हो सकता है और किस समय पैसे लगाना चाहिए, ये भी टिप्स मैं आपको देने वाला हूं। तो ब्लॉक डील क्या होता है, एक सेपरेट विंडो जो कि इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए होता है, जो कि इंडिविजुअल ट्रेडर नहीं होते, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं। कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है जो स्टॉक मार्केट में प्ले करती है, जिनका डील साइज भी एक लिमिट से ज्यादा रहता है, जिनका डील क्वांटिटी भी एक लिमिट से ज्यादा होता है, उन्हीं लोगों को ब्लॉक डील के प्रोसेस में अलाउ किया जाता है। इसीलिए दिन में 2 बार 15-15 का ब्लॉक डील का प्रोसेस मिलता है इंस्टीट्यूशन को, ताकि उस समय अगर इंस्टीट्यूशन कुछ बड़ा डील करना चाहती है तो जरूर कर सकती है। इसी कारण उस समय दूसरे लोगों के डील को ब्लॉक कर दिया जाता है, केवल इंस्टीट्यूशनल और जो बड़े प्लेयर रहते हैं उनके पास में डायरेक्ट विंडो रहता है आपस में डील करने का, ट्रेड करने का। सेबी ये कहता है कि केवल 1% का ही डिफरेंस हो सकता है, लास्ट डे का जो क्लोजिंग प्राइस था उससे केवल 1% का ही प्लस या माइनस अलाउ करते हैं, किसको? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को, राइट। और ये जो ब्लॉक डील है, सेबी ने इसका गाइडलाइन बनाया है कि कम से कम 5 लाख शेयर का ही एक डील कर सकते हैं। 5 लाख शेयर मिनिमम क्वांटिटी है और मिनिमम वैल्यू 5 करोड़ रुपए का ही हो सकता है दो पार्टीज में। ये पार्टीज भी सारे इंस्टीट्यूशनल और बड़े प्लेयर्स ही होंगे, क्योंकि उस ब्लॉक टाइम में कोई दूसरा डील नहीं कर सकता और केवल इंस्टीट्यूशनल और दूसरे ऑथोराइज प्लेयर ही यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। तो क्या हो गया, 5 लाख शेयर होना चाहिए कम से कम और 5 करोड़ रुपए का वैल्यू कम से कम होना चाहिए। तो ब्लॉक डील सेशन का टाइमिंग जानते हैं, 2 बार 15-15 का स्लॉट मिलता है, एडवांटेज लेने का मौका है। 8:45 से 9 AM तक जितने भी इंस्टीट्यूशनल और ऑथोराइज्ड प्लेयर्स हैं वो ब्लॉक करके अपना डील कर सकते हैं ये 15 मिनट। और इसके बाद दोपहर में 2:05 से लेकर 2:20 तक कोई भी दूसरा ट्रेड नहीं कर सकता, वो टाइम भी ब्लॉक हो जाता है। उस समय भी जो इंस्टीट्यूशनल और ऑथोराइज्ड प्लेयर्स हैं वो
खेल सकते हैं, उस समय वो परचेज सेल कर सकते हैं, उस समय वो डील कर सकते हैं। तो ब्लॉक डील सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको ट्रेड करना है तो ब्लॉक डील सेशन खत्म होने के 45 मिनट के अंदर में या 15 मिनट पहले अगर आप ट्रेड करते हो तो आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। लेकिन आपको अपने एनालिसिस, अपने प्लानिंग और अपने रिसर्च और अपने फंडामेंटल्स पे बहुत ज्यादा विश्वास होना चाहिए और उसी विश्वास पे आपको काम करना है। अगले सैटरडे और संडे में आपको फिर से महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में, और जिसमें आपको फायदा हो जाए और धीरे धीरे हम इसको रेगुलर करने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, आप जानते हैं मेरा मिशन हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।